कहते हैं एक फौजी की अपने देश के लिए जो मोहब्बत होती है ना, उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। वो सबसे ऊंची मोहब्बत होती है। एक माँ का प्यार इतना ताकतवर होता है कि जेब में चवन्नी ना हो पर आपके हौसले का मीटर हाई कैसे करना कोई माँ से सीखे। देखो वैसे तो तरह तरह के इश्क होते हैं। 16 साल वाला पहला प्यार जो स्कूल की बेंच से शुरू होता है, या फिर 26 की उम्र में अपनी ही गली में 3-4 पासवर्ड्स का होना। प्यार तो प्यार होता है, पर सच्चा वाला प्यार कौन सा होता है, कब होता है और कैसे होता है? पूरा दिन देश प्रेम में डूब कर चलिए अब मोहब्बत की क्लास लगाते हैं। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक, मेरी यूट्यूब चैनल एकता इन लव पर। तुम यह प्यार, इश्क और मोहब्बत सिंपल है, कभी भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, अपनी गली से लेकर दूसरे प्लैनेट पे हो सकता है, ब्रह्मांड में कहीं भी, देवलोक से लेकर पाताल लोक तक। आपके लिए जितने लोग बनाए गए हैं वो आपसे मिलेंगे जरूर, और उनका जो टाइम पीरियड है ना, उतने ही वक्त के लिए, क्योंकि ये सारे लोग ना आपकी कहानी का हिस्सा है। एंड आई होप कि आपको याद हो अपनी कहानी के हीरो या हीरोइन आप हैं। और पता है क्या, बहुत बार ना आपको ऐसा लगेगा कि इस बार का प्यार सच्ची वाला प्यार है, एकदम पक्की मोहब्बत हमेशा के लिए, पर ऐसा होता नहीं है। मोहब्बत महसूस करना ना हमारे दिल का काम है, उसे बनाया भी इसलिए। अब ये किसने कह दिया कि वो ये काम सिर्फ एक ही बार करेगा? उसका काम तो बस महसूस करना है, प्यार, गुस्सा, दुख, सुख, हर एक इमोशन, उसी से तो कहानी आगे बढ़ती है। और ऐसा है ना कि हर उम्र का अपना इश्क होता है, और हर इश्क की एक कहानी। कई कहानियां अधूरी भी रह जाती है और कई बुरी हो जाती है। प्यार चाहे बचपन का हो या जवानी का, बुढ़ापे तक टिकने वाला हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, नसीब। प्यार ना किसी नेमत की तरह होता है। जब आपको लगे कि दुनियाई जंग के बीच में दिन और दिन जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, और इन सभी के बीच में कहीं कोई एक शख्स ऐसा है जो बस याद आती, जिसका जिक्र होते ही ख्याल आ जाए, आपको एक सुकून सा महसूस होने लगता है, अंदर एक अजीब सी शांति होने लगती है, जैसे आपको लगता है कि आपके साथ चाहे कितनी गलतियां हुई हो, कितना भी नुकसान हुआ हो, कि मालिक ने भरपाई कर दी इसे भेज के, जैसे तोल दिया हो कि जा तुझे जितने गम दिए उसके बदले में तुझे ये फरिश्ता दे रहा हूं, कुछ इस किस्म का, जिसको देखकर ये ख्याल आ जाए कि क्या मैं इसके लायक भी हूं कि ये मेरे आंगन में हो। आप अपने आप से ये सवाल करने लगे कि हाँ, क्या मैं इसके लायक भी हूं जो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा ऊंचा देखे, जो तुम्हें तुमसे मिला दे, ऊपर वाले के साथ तुम्हारा रिश्ता इतना मजबूत कर दे कि तुम ना जीत और हार से परे हो जाओ, किसी परिंदे की तरह उसके आसमान में बस उड़ना चाहो, बेखौफ बेबाक, जो आफतों के दौर में तुम्हारे चैन की घड़ी हो, जो तुम्हें अपने हर डर हर डाउट से आजाद कर दे, फ्रीडम फ्रॉम एवरी फियर एंड मेक्स यू इंडिपेंडेंट, जिसके होने से तुम्हें आजादी के मायने पता चले कि जीना, खुश रहना, संतुष्ट रहना सब कितना अलग अलग होता है, जो तुम्हारे अंदर के अंधेरों को खत्म कर दे अपने नूर से, वो होगा तुम्हारा कोहिनूर, उसे कहेंगे ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत, जो सबको नहीं मिलती, तो मिले ना संभाल के रख लेना। मैं मिलूंगी कल 9 बजे मेरी यूट्यूब चैनल एकता इन लव पर। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।